हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे और उन फॉर्मूलों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका? टेन एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला क्या होता है? तो यह हमने देखा था लॉग माइनस लॉग कोस एक्स या फिर प्लस में सी या फिर लॉग sec x प्लस सी। इसी तरीके से हमने देखा था, यानी कि ये क्वेश्चन आपका अलग से भी आ सकता है, प्रूव दैट इस तरीके से आ जाए। तो उसमें क्या करोगे, ये जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ करवाया था वो कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ करोगे। या फिर आ सकता है कि cot x dx के इज इक्वल टू में क्या होता है, log आपका sin x प्लस सी या फिर log माइनस का कोस एक्स प्लस में सी। ये पूछा जा सकता है, प्रूव दैट, पूरा ये दे दिया, इसको प्रूफ करो। तो आप अभी जो मैंने करवाया था वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है इंटीग्रेशन sec x dx, ये क्या होता है, log tan x प्लस sec x प्लस में सी या फिर log tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस में सी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ये तीनों ही कि प्रूव दैट। ये तो सीधा ही 6 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 3 मार्क्स में या तो यहाँ ये और ये दोनों दे सकता है, या फिर ये 3 मार्क्स में भी दिया जा सकता है ये क्वेश्चन। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इन तीनों क्वेश्चनों को, और चौथा क्वेश्चन इसी टाइप का प्रूव दैट वाला मैं अभी यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चनों में भी अप्लाई होते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आज हम प्रूफ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है आपका कोसेक एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, या फिर प्रूफ दैट भी पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले i इज इक्वल टू कोसेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, इसका इंटीग्रेशन ना तो सीधा हो रहा है ना कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर इसको चेंज भी करेंगे साइन कोस में तो 1/sin x हो जाएगा, उसका भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी से। चलो ये लो, कोसेक एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से, और डिवाइड भी कर रहे हैं हम कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से इंटू में डी एक्स। अब देखो, हम यहाँ पे लेट करते हैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। अगर इसको टी मानते हैं तो डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव देखो, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और यहाँ पे कोट एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो sec स्क्वायर सॉरी cot स्क्वायर x माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, cosec स्क्वायर x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। ये बन गया स्टूडेंट्स आपका। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कुछ नेक्स्ट स्टेप में, क्या कॉमन आ रहा है, cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया है, सॉरी cosec x हमने कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बच गया, देखो अब कोसेक एक्स यहाँ पे, तो माइनस तो कोट एक्स और प्लस कोसेक एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला तो क्या आ गया आपका डी टी आ गया है, तो पूरा डी टी बन गया, नीचे वाला टी है, तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोग मॉडुलस टी या लोग टी प्लस सी, ये बन गया। टी की वैल्यू रख दें हम यहाँ पे उठा करके, तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये मान रखा है हमने टी यहाँ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स
प्लस में सी, ये बन गया एक आंसर तो आ गया, लेकिन दूसरा आंसर और भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ दैट में वो भी पूछा जा सकता है, इतना भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दिस, या फिर इसको और आगे कर सकते हैं क्योंकि इसको साइन कोस में चेंज करके और दूसरा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, वन बाई साइन एक्स माइनस कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस में सी चल रहा है आपका इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, लॉग नीचे साइन एक्स आ गया है आपका और ऊपर वन माइनस कोस एक्स, प्लस में सी। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोस एक्स यानी कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स बाई टू में चेंज कर लेंगे और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लोग वन माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, सॉरी यहाँ पे वन माइनस टू कोस नहीं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पे भी टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू प्लस में सी। तो यहाँ पे देखो वन से वन कैंसिल, तो उसके बाद में लोग क्या बच गया, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कोस एक्स बाई टू, ये बच गया है। तो यहाँ से देखो टू से टू आपका कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे साइन एक्स बाई टू और नीचे कोस एक्स बाई टू, प्लस में सी चल रहा है आपका, तो ये बन गया है लोग साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, क्या बन गया है टेन एक्स बाई टू प्लस में सी, तो आई इज इक्वल टू ये भी निकल के आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया है आपका लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, फिर आगे प्लस में सी इज इक्वल टू लोग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो चौथा जो हमारा प्रूफ करने वाला या क्वेश्चन था ये आ गया है सीधा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है और इसे इसके ऊपर लिख दिया है प्रूव दैट, तो आपको ये तीन नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार सीख लीजिएगा और इनको याद भी रखना है आपको क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे वाले आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स चारों फॉर्मूले हमने प्रूफ कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे या छूटे हुए थे उन क्वेश्चंस की तरफ लौटते हैं फिर से, और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया था, अब हम लेते हैं सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है आपके का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, वो है साइन पी एक्स साइन की पावर पी एक्स अपॉन कोस पी प्लस टू एक्स, इंटीग्रेशन करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स देखो इसको सबसे पहले आई के इक्वल मान लेंगे, तो यहाँ पे साइन की पावर पी एक्स अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं कोस की पावर पी एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ब्रेक कर सकते हैं दो को अलग और पी को अलग। तब यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन क्या बन गया आपका टेन पी एक्स बन गया है, तो नेक्स्ट में इंटीग्रेशन टेन की पावर पी एक्स इंटू देखो वन बाई कोस स्क्वायर एक्स है, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखो किसको लेट कर सकते हैं हम, यहाँ पे टेन एक्स को क्या लेट कर सकते हैं टी, तो यहाँ पे लेट टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, तो इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
dt क्योंकि डेरिवेटिव कर दिया है इसका। अब देखो sec square x dx तो क्या हो गया, ये तो dt हो गया, तो tan x को क्या लिख सकते हैं t, तो t की पावर p बन जाएगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर p, ये बन गया है। अब ये देखो t की पावर p का मतलब x की पावर n वाला इंटीग्रेशन हो गया, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता है आपको, वो होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में c। तो इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा t की पावर p प्लस वन अपॉन p प्लस वन प्लस में c। I इज इक्वल टू ये निकल के आया है, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या थी, कि हमने क्या माना था, यहाँ पे माना था tan x को t माना था, तो x की t की जगह tan x रख देंगे। सो I इज इक्वल टू tan की पावर, tan x की पावर p प्लस वन अपॉन p प्लस वन प्लस में c, या फिर इसको लिख सकते हैं हम tan की पावर p प्लस वन x अपॉन p प्लस वन प्लस में c। ये रहा स्टूडेंट्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। चलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, दो क्वेश्चन आज हमने प्रूफ किए हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ध्यान रखना है 9.2 को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे के चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 9.2, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से वीडियो को देखें और समझें। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।